नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 10, क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। प्रिया नाच रही है, मनोज ने दूध पिया, चिड़िया उड़ रही है, डाकिया पत्र लाया, अमर कल गांव गया था। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाच, पिया, उड़, लाया और गया काम के करने या होने को बता रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उन शब्दों से पता चल जाता है कि काम हो रहा है या हो चुका है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया है आना तो धातु है आ, क्रिया है उठना धातु है उठ, क्रिया है जाना धातु होगी जा, क्रिया है लिखना धातु है लिख, क्रिया है पढ़ना धातु है पढ़, क्रिया है भागना धातु है भाग। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे चल प्लस ना चलना, जाग प्लस ना जागना आदि। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बिना कर्म के ही वाक्य पूर्ण लगता है, क्रिया का अर्थ पूर्ण लगता है। इसमें क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे मीरा रोती है तो रोने का फल किसे मिल रहा है? मीरा को। तो यहाँ पर किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। बालक हंसता है, हंसने का फल सीधा सीधा बालक पर पड़ रहा है, तो यहाँ भी किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। पीछे दिए गए वाक्यों में क्रिया का फल क्रमशः मीरा और बालक पर ही पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसके बिना उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, अब वह जा रहा है तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, हमें कर्म की ज़रूरत है। तो वह विद्यालय जा रहा है, श्यामा पेन से लिख रही है। इन वाक्यों में विद्यालय और पेन कर्म है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक क्रिया है। कर्म की पहचान, वाक्यों में कर्म की पहचान के लिए उसके साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, मिलने वाला उत्तर ही कर्म होता है। उत्तर ना मिलने की दशा में वाक्य की क्रिया अकर्मक होगी। जैसे राजीव गीत गाता है तो हम प्रश्न करें क्या गाता है और हमें उत्तर मिल गया गीत गाता है, तो गीत मिल गया, गीत कर्म है, तो ये है सकर्मक क्रिया। बिल्ली कूदती है, क्या कूदती है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कहाँ कूदती है ये भी नहीं मिलेगा, तो कोई उत्तर नहीं है, तो ये है अकर्मक क्रिया। तो ये इस तरह से हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। यदि हम प्रश्न पूछे क्या, किसने, किसको, कहा, कहाँ और उनका उत्तर हमें मिले तो वे कर्म हैं जो कि उसका उत्तर होगा और वो वाक्य सकर्मक क्रिया के साथ होगा। यदि उसका उत्तर ना मिले जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं तो वह वाक्य अकर्मक क्रिया के साथ होगा। सहायक क्रिया भी होती है। जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी मंदिर जाती हैं, तो मुख्य क्रिया क्या है? जाना, और सहायक क्रिया है हैं।
गौतम फुटबॉल खेलता है, मुख्य क्रिया है खेलना और सहायक क्रिया है। अब है यहाँ पर संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सचिन खेलने लगा, खेलने प्लस लगा, बच्चा रोने लगा, रोने प्लस लगा। अब है नाम धातु क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, जो संज्ञा और विशेषण से बनती हैं। नीचे कुछ नाम धातु क्रियाएं दी गई हैं, इनके आधार पर अन्य नाम धातु क्रियाओं को स्वयं बनाने का अभ्यास करो। जैसे लज्जा लजाना, लात लतियाना, ठोकर ठुकराना, अब यहाँ विशेषण शब्द हैं, गरम गरमाना, पागल पगलाना, गहरा गहराना। आ जाते हैं अभ्यास कार्य पे। क्रिया की परिभाषा लिखो। तो वाक्य में जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु का क्या अर्थ है? क्रिया का मूल रूप धातु होती है। अकर्मक क्रिया को साधारण स्पष्ट करो। कर्म की पहचान किस प्रकार की जाती है? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट करो। संयुक्त और नाम धातु क्रिया के दो दो उदाहरण दो। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ का पुनः पठन करके स्वयं देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आई क्रियाएं छांटकर सामने लिखो व उनकी धातु भी लिखो। बालक रोता है, अकर्मक क्रिया, धातु है रो। उसने कहानी लिखी, सकर्मक क्रिया, लिख धातु। रवि चलता रहा, अकर्मक क्रिया, चल प्लस रहा धातु। यहाँ पर ये संयुक्त धातु का प्रयोग हुआ है। अब इन दोनों वाक्यों के उत्तर आप स्वयं देंगे। बताओ निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक हैं या सकर्मक? गाय दूध देती है, सकर्मक। बच्चा रोता है, अकर्मक। कुत्ता भौंकता है, अकर्मक। सोनू आम बेचता है, सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म है, आम बेच रहा है। माताजी हंसती हैं, अकर्मक। बंदर पेड़ पर बैठा है, सकर्मक। रिया नाचती है, अकर्मक। गाय चारा खाती है, सकर्मक। दिए गए शब्दों से उचित क्रिया बनाकर वाक्य पूर्ण करो। तो यहाँ पर तीन मैंने पूर्ण करे हुए हैं, ये दो आप स्वयं करेंगे। रात बीत गई और सूर्य निकल गया। गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है, वह अपना काम प्रतिदिन करता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, सत्य। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, असत्य। दो या अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, असत्य, वो संयुक्त क्रिया होती है। और ये जो दो वाक्य हैं इनके सामने आप स्वयं लिखेंगे सत्य अथवा असत्य। तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप इस पाठ का अच्छे से पुनः पाठन करेंगे। आशा करती हूँ आपको क्रिया स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।